आज नंदोत्सव भी है, समय हो चला है। नंदोत्सव का अर्थ ही ये है, नंद शब्द का अर्थ ही है जो जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं। नंद शब्द का अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, पारिभाषिक अर्थ वो है जो जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं। कल भी हम लोगों ने सुना, नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना। हम लोग जिस रीति नीति से इस नंदोत्सव को मना रहे हैं ना, कितना अतुलनीय आनंद हो रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा अद्भुत एक अद्भुत सा परिवेश है, जो कुछ स्मृतियां ऐसा हुआ पीछे छूट गई। मंदिर में प्रवेश किया, बस एक दूसरे ही संसार में जैसे प्रवेश कर गए। ये सब रीति नीति हमको हमारे गुरु महाराज जी श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने कैसे मथुरा में वो आज के दिन सब कीर्तनों को कराते थे, ये सब रीति नीति हमारे गुरु महाराज जी हैं, ये सब भावनाएं हमारे गुरु महाराज जी कृपा पूर्वक हम लोगों को दे गए थे। जिस रीति नीति जिस भावना के साथ में गुरु महाराज जी इस नंदोत्सव को मनाया करते थे, उसकी स्मृतियां हृदय पटल पर साक्षात रूप में जागृत होती है। कितना उत्साह, कितनी उमंग, किस प्रकार से, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना, वृद्ध अवस्था में भी कभी कभी तो हमने देखा करताल बजाने लगते थे, बड़ी करताल, और यदि कोई माला कर रहा होता ना उस पर शासन करते, कहते कीर्तन के समय में इतना आनंद हो रहा, माला हो ही नहीं सकती, छोड़ दो माला को, उठ करके नृत्य करो। और हमने देखा बीच में नृत्य के बीच में आ जाया करते थे और हाथ उठा करके सबको प्रेरित करते नृत्य करने के लिए, जो बजा रहे होते उनको प्रेरित करते उद्दंड नृत्य करने के लिए। कोई खड़ा है ना उसको बड़ा शासन करते। आप देखो अभी भी वीडियोस में देखो आप, कितना उनके हृदय में उमंग उत्साह होता था। क्यों होता है ये उमंग उत्साह जानते हैं? क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में वो तो उसी कुटुंब के है ना। जब संबंध ज्ञान हो जाता है ना भगवान के साथ में, जब संबंध ज्ञान हो जाए तब हृदय में जो आनंद होता है ना इन सब उत्सवों को लेकर, वो अपूर्व अतुलनीय होता है। वहां अपूर्व और अतुलनीय ये नंद उत्सव जो है ना, एक दिन की कोई बात नहीं है। यदि किसी ने ब्रज लीला को सुना हो रूपानु गुरुवर्गो के मुख से, ये नंद उत्सव तो प्रति क्षण हो रहा है ब्रज में, प्रति क्षण हमारे सामने तो उसकी एक छटा एक दिन के रूप में बस ऐसा होता है। वहां उसका थोड़ा सा आभास प्रकट हुआ है। यदि रूपानु गुरुवर्गो के ग्रंथों का अनुशीलन करोगे या करें हम, रूपानु गुरुवर्गो की वाणी को सुने हम, प्रति क्षण नंद उत्सव है, प्रति क्षण। यशोदा मैया के नंद भवन में, नंद ब्रज में तो प्रति क्षण नंद उत्सव हो रहा है। हर दिन की दैनिक दिनचर्या को देख लीजिए। अरे यशोदा मैया की आप दिनचर्या देखेंगे, सेवा परिपाटी देखेंगे ना, सर पकड़ ले हम तो, क्या सेवा परिपाटी है, कैसा ये वात्सल्य है, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पूरा कृष्ण को भोजन करा दिया, सब कुछ हो गया, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, प्रतिदिन बनाती हैं और बनवाती हैं। कृष्ण के स्नान की, आसन की, वस्त्रों की सब व्यवस्था में रात दिन लगी रहती है, रात दिन। और जब सब भोजन हो गया, अब कृष्ण जा रहे वन में, तो यशोदा मैया की स्थिति क्या होती है, पीछे पीछे दौड़ेगी कृष्ण के, बार बार कृष्ण सांत्वना देंगे, मैया लौट जाओ, मैया लौट, थोड़ा सा लौटेगी फिर दौड़ पड़ेगी कृष्ण की ओर, फिर कभी कुछ कृष्ण को फल का रस पिला देगी, फिर कृष्ण के मुख में कुछ ठूस देगी, देखारे लाला, कृष्ण कहेंगे मैया मेरे मुंह में ठूस दिया, मैं बंसी कैसे बजाऊंगा, अब मैं नंद भवन से निकल चुका हूँ, ये देवता लोग मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, जब तक मैं बंसी नहीं बजाऊंगा, ब्रह्मा जी शिव जी ये सब आते कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब कृष्ण गोचारण के लिए बंसी बजाते बजाते जाते ना, ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, कृष्ण बंसी वादन करते करते वन में जा रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी आ गए, तो साथ में मधुमंगल चल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी और शिव जी सामान्य रूप में नहीं आते हैं, विशेष रूप लेकर के आते हैं। तो मधुमंगल ने जब ब्रह्मा जी का रूप देखा तो मधुमंगल क्या कह रहे हैं, अरे ये चार मुंह वाला प्राणी कहां से आ गया है? और जब शिव जी जी को देखा तो मधुमंगल जी कह रहे हैं, ये नंगा बैताल कहां से आ गया है, ये नंगा बैताल कहां से आया, इंद्र आ गया, इंद्र के शरीर में 1000 नेत्र हैं। मधुमंगल देखकर भयभीत हो गए, कहते ये 1000 नेत्र वाला राक्षस कहां से आ गया, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण अवध्य होते हैं, अवध्य माने उनका वध नहीं किया जाता, हमको मत मारो, हमको मत मारो। तो मधुमंगल क्या कर रहे हैं, कृष्ण की बगल में अपना मुंह दे दिया, मधुमंगल ने भयभीत होकर कृष्ण की बगल में अपना मुंह दे दिया। तो बलदेव प्रभु मधुमंगल की पीठ थपथपाते हुए कह रहे, अरे ये बड़े बड़े देवता है, क्या पहचान नहीं रहे हो? तो श्री राम और बलदेव प्रभु ये मधुमंगल को समझा रहे, अरे ये देवता, ये इंद्र है, ये ब्रह्मा जी है, ये शिव जी है,
अब मधुमंगल ने जब देखा ना तो श्रीराम से कहते हैं, अरे मूर्ख ग्वाले, तेरा कभी उपनयन संस्कार हुआ है? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण मुझको ज्ञान दे रहा है, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम भाई भी होते हो कि नहीं होते हो, इनको तो मैं अपनी लाठी के भय से भगा दूं। पृथ्वी पर लाठी पटक रहा है मधुमंगल, अरे भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। और ऐसी ब्रज में प्रतिदिन लीला हो रही है, और यशोदा मैया उसके बीच में कृष्ण के पीछे बार बार भाग रही है, बार बार जाती है, बार बार आती है। फिर कृष्ण मैया को शपथ देते हैं, आपको मेरी शपथ है, घर में वापस लौट जाओ, मेरी शपथ है प्रसाद पा लेना, तब जाकर के मैया प्रसाद पाएगी। तो नंद ब्रज में तो नित्य निरंतर ये नंदोत्सव हो रहा है, प्रति क्षण नंदोत्सव हो रहा है, वहां तो कोई क्षण ऐसा नहीं। इसलिए उस जगत को क्या कहा गया, आनंदमय जगत है वो, आनंदमय जगत। उसी आनंदमय जगत से हमारे रूपानुगुरुवर, हमारे गुरुजी आकर के उस आनंद का किंचित सा हमको आभास दे जाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज जी मथुरा में इन तिथियों को मनाते थे, ये गुरुजी तो उसी कुटुंब से आए हैं, वो तो रात दिन उस आनंद में निमग्न रहने वाले हैं, हमको थोड़ा सा उस आनंद का आभास दे जाते हैं, जिससे हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाए और मन में क्या भावना उत्पन्न हो, हम इस आनंद में कब नित्य निरंतर डूबे रहेंगे, कब नित्य निरंतर डूबे रहेंगे। कैसे नंद बाबा नंद ब्रज में, नंद भवन में आज के दिन क्या अद्भुत शोभा हो रही है। नंदस्तो महात्मज उत्पन्ने जात आनादो महामना, साक्षात आनंद ने जन्म ले लिया, और आत्मज उत्पन्ने किसी दूसरे के पुत्र का जन्म उत्सव नहीं मना रहे हैं। साधारण लोग समझते हैं ना वसुदेव का पुत्र है, अरे वसुदेव का पुत्र नहीं, भागवत स्पष्ट कर रही है, आत्मज अपने ही पुत्र का जन्म उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा के जितने भाई है ना, उपनंद इत्यादि, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, सुंदर सुंदर पगड़ियां सजा करके अपने मस्तक पर, जितनी ब्रज की गोपियां हैं, केवल ऐसा नहीं कि हमारे घर, अरे सबके घर में ही आनंद ने जन्म ले लिया, पूरे ब्रज में ही आनंद हो रहा है। सब नाना प्रकार के वस्त्र पहनकर नंद भवन में पहुंच रहे हैं। बहंगियों में, बहंगी समझते हैं जिसमें मटकियों को रखकर ले जाते हैं, आधे जल वाली छाछ, बिना जल वाली छाछ, छेना, मक्खन, दूध, दही सब ले लेकर के नंद भवन में पहुंच रहे हैं। पर नंद बाबा जी बड़े उदार दिए, बड़े मनस्वा सबका स्वागत कर रहे हैं। नंद बाबा की इच्छा से रोहिणी देवी श्रृंगार इत्यादि करके, जद भी उनके पति दूर देश में है, वो विरह में है, किंतु कृष्ण के जन्म का ऐसा प्रभाव, ऐसा आनंद है, यही प्रमाणित हो रहा है, साक्षात आनंद ने जन्म ले लिया। रोहिणी मैया भी कृष्ण की इच्छा से सज धज, नंद बाबा की इच्छा से सज धज करके सब गोपियों का स्वागत कर रही है। सारे गोप जब पहुंच गए ना वहां पर, सब ने वो गुरु महाराज जी की कथा में बता रहे थे, हल्दी और वो चावल रोली इत्यादि हाथ में लगा ली, और सब एक दूसरे को छाप दे रहे, सब एक दूसरे को छाप दे रहे, और इतने आनंद में मतवाले हो गए, इतने आनंद में मतवाले हो गए, एक दूसरे के ऊपर में छाछ मक्खन सब कुछ फेंकने लगे, आनंद में इतने मतवाले हो गए हैं। और चारों ओर गुरु महाराज जी बता रहे थे कथा में, चारों ओर दूध दही मक्खन का कीच हो गया, कीच चारों ओर, कोई भी किसी भी गोप को अपनी कोई सुध-बुध नहीं है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, नाना प्रकार की भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं। यहाँ भी उसका किंचित सा आभास अभी देखने को मिला था, नाना प्रकार की भाव भंगिमाएं प्रकट हो रही है। और नंद बाबा जी जो है ना, इतना उन्होंने दान किया, बड़े उदार दी है ना, सूत लोग आए, मागद लोग आए, बंदी लोग आए, भाट लोग आए, जो आपके पूरे वंश का गुणगान करेंगे, सबको नंद बाबा जी ने इतना दान दिया, सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान किया, कहीं लिखा है 20 लाख गाय दान की, और ऐसे गाय दान नहीं की, उनके खुर चांदी से मढ़े हुए, सींग सोने से मढ़े हुए, सुंदर सुंदर वलकर वस्त्र पहने हुए, नाना प्रकार से दान दिया। तो कवि करणपुर जी कहते इतना दान दिया, लक्ष्मी के हाथ में भी केवल लीला कमल रह गया, सारा दान दे दिया नंद बाबा ने, लक्ष्मी जो धन की अधिष्ठात्री है उनके हाथ में भी बस कमल रह गया, सब दान दे दिया। समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, इसको मत लाओ, समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, रत्नाकर माने समुद्र में रत्न भरे हुए हैं। नंद बाबा ने इतना दान किया, सारे रत्न दान कर दिए, समुद्र में केवल जल जंतु रह गए, एक भी रत्न नहीं बचा, केवल जल जंतु रह गए, इतना नंद बाबा जी ने दान किया, बड़ा उनके हृदय में आनंद उमंग है। तो ऐसी नंद ब्रज में ये नंदोत्सव की शोभा हो रही है, बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। उसी का किंचित सा आभास हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा पूर्वक हम लोगों के हृदय में हो, मन में हो, किसी ना किसी रूप में संचरित कर दिया है। गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है
ये आनंद जो है, हम तो वास्तव में अमृतस्य पुत्रा, हम जीव भी जीव के स्वरूप में निरानंद है नहीं, हमने तो इस निरानंद को वरण कर लिया है। वास्तव में तो हम जीव जो है ना अमृत की संतान है, अमृतस्य पुत्रा, हम तो रात दिन इसी आनंद में निमग्न रहने वाले हैं, रात दिन इसी आनंद में। निरानंद हमारे स्वरूप में है नहीं, हमने तो भूलवश इस निरानंद को वरण कर लिया है, माया की ओर दृष्टिपात किया, माया ने निकटस्थ माया तारे झापटिया तारे बस झपट के पकड़ दिया। ये हमारे गुरुवर्गों की दया है, गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है, इस अमृत का, इस आनंद का नित्य निरंतर आपकी कृपा से कभी हम आस्वादन कर सके। वो कैसे होगा, जब नित्य ब्रज में गुरु जी की कृपा से हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। यही कहकर गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, आप ही दया करके हमको किसी प्रकार बस इस मार्ग पर लगाए रहिए, आपके चरणों की नित्य निरंतर स्मृति बनी रहे, आपके चरणों से किसी प्रकार से भी कभी विच्छेद ना हो। माया बड़ी प्रभावशाली है, कली का प्रभाव बड़ा प्रबल है, परिवेश बड़ा प्रतिकूल है, किंतु आपके चरणों में यही प्रार्थना है, यदि यत किंचित भी कभी हमसे कोई येन प्रकार कोई सेवा बन गई हो, अथवा आपने अपने गुणों से हमारी इस इधर उधर की चेष्टा को कुछ सेवा मान लिया हो, उससे आप आज नंद उत्सव है ना, गुरु जी का चित्त भी कितना प्रसन्न होगा, गुरुवर्गों का चित्त भी कितना प्रसन्न होगा। तो उनसे बस छोटी सी एक वस्तु मांग ली जाए, नंद बाबा दान कर रहे हैं, उनके परिकर दान कर रहे हैं, तो गुरु जी भी तो कृष्ण के परिकर है ना, वो भी दान कर रहे हैं, इतना ही दान मांग ले, हमारे हृदय में तो आता है कि आपके चरणों में नित्य निरंतर हमको वास मिल जाए, आपके चरणों की निष्कपट सेवा मिल जाए, आपके चरणों की एक धूलिकणा हम बन जाए, बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है। गौर प्रेमानंदे।